भाजपा सरकार ने साम दाम दंड भेद की नीति से लोक प्रतिनिधियों को खरीदने का, डराने का, धमकाने का प्रयास हो रहा है। कोरोना की महामारी में जब गुजरात में 1200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 20,000 जितने लोग संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे समय में सरकार को लोगों की जान बचाने की चिंता करनी चाहिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता करनी चाहिए और लंबे लॉकडाउन के बाद कोरोना को कैसे कंट्रोल करें उस पर काम करना चाहिए। लेकिन पूरी सरकार और प्रशासन कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में, उनको तोड़ने में और उनको डराने धमकाने में लगा है। ऐसे में सभी विधायक साथ मिलके कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट को विजय बनाने का प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं।